हेलो बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। हमारी ऑफलाइन क्लासेज प्रयागराज में चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेज आपको यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के जितने कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अब यूनिक ऑनलाइन गुरु का खासियत क्या है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरे नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। क्या बताया मैंने? पूरे नोट्स के साथ। यानी आप ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं तो घर पे बैठ के कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल में अगर बातचीत करें तो लगभग 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लगभग 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। कुछ के प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, कुछ के डिफरेंस हैं। तो उनके प्रॉपर्टी के आधार पे मेनली, मैं क्या बोला, मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर के, ठीक है। तो आज और देख, आप देखोगे अगर पीरियोडिक टेबल में तो बहुत जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हैं, वो मेटल्स ही हैं। यानी कि 115 में से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल को हम देख के बता सकते हैं मैटर को कि मेटल है कि नॉन मेटल है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी मैं इधर लिख दूं, मैं मेटल्स क्या लिख दूं, मेटल्स इधर मैं लिख देता हूं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दोनों को डिफरेंस करते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। अगर मेटल की हम लोग बातचीत करें, देखो मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर मेटल की हम लोग बातचीत करें, पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा। अगर मेटल की हम लोग बातचीत करें तो मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स आर लस्चरस। यानी हम कह सकते हैं शाइनी। जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। उनमें क्या होती है? चमक होती है। मेटल्स आर लस्चरस, ठीक है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो दिस आर डल इन अपियरेंस। यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, दिस आर डल इन अपियरेंस। इनमें क्या होती? चमक नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? अगर दूसरे पॉइंट की हम लोग बातचीत करें, ठीक है, तो ऑल मेटल्स यानी दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि इनके थ्रू क्या होता है, करंट और हीट इजिली फ्लो कर सकता है। यानी हम लिख सकते हैं दे कंडक्ट, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, दे कंडक्ट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर नॉन मेटल की हम लोग बातचीत करें तो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो कुछ चीज़ आपको समझना है कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी, अपवाद भी हैं, और मैं पूरा अपवाद लिख के आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा एक्सेप्शन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं। देखो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक एक्सेप्शन क्या है, कार्बन का एक एलेट्रोप है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन की हम लोग बात करें, अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है भाई, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है, ये एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे बार पूछा जाता है कि कोई ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो ये आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी के मेटल की हम लोग बातचीत करें तो क्या लिख सकते हैं, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब थोड़ा कंसेप्ट समझो आप लोग। मैलिएबल का मतलब होता है इसको हम बीटन करके, हैमर से बीट करके पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक मैलिएबिलिटी का होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैमर से पीट पीट करके उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी, यानी कि क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, इनका नहीं पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब देखो, कंसेप्ट समझो आप लोग थोड़ा सा, डक्टाइल का मतलब होता है स्ट्रेच करके पतली वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी कोई मेटल होगा हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके उसको पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बातचीत करें नॉन मेटल की, तो क्या हो जाएगा, दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, यानी कि ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती है। आपने देखा अगर नॉन मेटल को हम बीट करके चाहे पतली शीट्स में कन्वर्ट करें तो नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की हम लोग बातचीत करते हैं, ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड, इसमें भी एक्सेप्शन है, देखिए मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। जो ऑल मेटल्स, यानी हम कह सकते हैं ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्करी क्या है, एक एक्सेप्शन है, विच इज अ लिक्विड मेटल, यानी इसमें भी देखो एक एक्सेप्शन है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट मर्करी, देखो मर्करी क्या हुआ हमारा, मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। क्या बताया मैंने भाई, हमने बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है भाई, एक्सेप्शन क्या है, मर्करी क्या होता है, मेटल होने के बाद भी लिक्विड है, ठीक है, एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस देख करके याद कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं खुद ही कंसेप्ट पढ़ाता हूँ यार, टेंशन मत लो, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, बस याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको माइंड में याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। यानी मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में देखा है तो सोडियम और पोटेशियम है, एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम पोटेशियम, जो थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट है। मेटल्स क्या है, जनरली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम जो क्या है, थोड़ा सॉफ्ट मेटल है, यानी हम लिख सकते हैं बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। क्लियर हो रहा है, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, यानी कि उतने हार्ड नहीं होते हैं। क्लियर हो रहा है। और हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो दे आर जनरली सॉफ्ट। अगर नॉन मेटल की हम लोग बातचीत करें तो क्या हो जाएगा भाई, दे आर जनरली सॉफ्ट। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बताया, जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है, ये बहुत ही हार्ड है, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब मेटल की बातचीत करें हम लोग तो मेटल क्या होता है, मेटल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली स्ट्रांग। अगर हम लोग लिखें तो मेटल्स आर क्या लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, मेटल्स आर, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली मतलब समझने वाली हैं, बस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट होगा तो मैं खुद ही कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, आपको पता होगा मैं पढ़ाता हूँ पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेटल्स आर क्या बताया मैंने भाई, चलो याद दिला दो, क्या बताया मैंने, मेटल्स क्या होते हैं जनरली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, हाई होती है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना भार ये वहन कर सकता है विदाउट इट्स ब्रेकडाउन,
यही क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यानी कि मेटल का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है और ये स्ट्रांग होते हैं। एक पॉइंट और बना लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर हम लोग नॉन मेटल की बातचीत करें, देखो पूरा उल्टा हो जाएगा। हमने क्या लिखा, मेटल्स आर जनरली स्ट्रांग, लेकिन नॉन मेटल क्या होंगे, दे आर नॉट स्ट्रांग। यानी कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी भाई, कम होगी, लो होगी, ठीक है। यानी कि भार वहन क्षमता बहुत कम होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो मेन प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसको हम लोग जान लें। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। क्या बोला मैंने, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन में आ जाएगा। अपवाद में क्या आएगा भाई, सोडियम और पोटेशियम, जिनके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो रहा है? अब देखें, अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स। आवाज जा रही है ना, क्या बोला मैंने, हमने बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रेदर देन या फिर एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। और एक चीज और समझ लिए, जो मेन चीज है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ लेना मैं क्या बता रहा हूं। क्लियर हो रहा है ना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली सोनोरस, मेटल्स आर जनरली सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको हम हीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड आएगा। मेटल की एक और प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, दे आर सोनोरस, यानी कि रिंगिंग प्रॉपर्टी है उसके पास, यानी हीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड आएगा। और नॉन मेटल की बातचीत करें दोस्तों, तो क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, जो नॉन मेटल्स है सोनोरस नहीं होते। यानी इनमें क्या होती है, अगर इनको हीट करते हैं तो क्या होता है, उनमें साउंड अच्छे से नहीं आती है, रिंगिंग साउंड नहीं आती। आप स्कूल में देखे होंगे घंटी बजती है, क्या होता है, मेटल होता है। घंटी बजती है, हम लोग क्या करते हैं, घर भाग जाते हैं। यानी क्या, मेटल का बना होता है, रिंगिंग साउंड बहुत अच्छी होती है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये तो रहा फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।